नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप अलग अलग टाइप के स्टाइल से मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से अलग अलग स्टाइल में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे ब्लैक बबल्स में, वाइट बबल्स में और स्क्वायर बॉक्सेस में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये देखिए, बहुत ही डिफरेंट टेक्स्ट आप देख सकते हो, हैप्पी बर्थडे पूरा उल्टा लिखा हुआ है। ये अपसाइड डाउन टेक्स्ट इसे बोलते हैं। कीबोर्ड में कहीं पर भी इस तरह की टेक्स्ट लिखने के लिए कोई भी की नहीं दी गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस तरह के मैसेजेस कैसे टाइप किए जाते हैं और भेजे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल बटन को टच करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम ऐसे अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग स्टाइल में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना होगा। गूगल क्रोम में आपको YAY, आप देख सकते हो YAYTEXT, yaytext.com ऐसा लिखना है और सर्च करना है। आप देख सकते हो कि yaytext.com करके एक वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है। इसमें दोस्तों आपको जो भी मैसेजेस करना है वो आप यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे कि मुझे कोई मैसेज करना है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब इससे नीचे आपको दिखाई देगा शॉर्ट स्ट्राइक थ्रू, लॉन्ग स्ट्राइक थ्रू, शॉर्ट स्लैश, लॉन्ग स्लैश, अलग अलग तरह के फॉन्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देख सकते हो बहुत सारे फॉन्ट्स स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अपसाइड डाउन, स्मॉल कैप्स, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अब देख सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक ये स्क्वायर वाला एक टेक्स्ट स्टाइल पसंद है, तो मुझे कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली हमें अपना व्हाट्सएप खोलना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद जिसको भी हम ये मैसेज भेजना चाहें, जैसे कि मेरा एक दोस्त है डीडी पटेल, उसे मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ। अब देख सकते हो कॉपी करने के बाद मुझे ये पेस्ट करना है और सेंड करना है। ये मैसेज मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैंने यहाँ से उसको सेंड कर दिया है। अब देखोगे, अगर मैं सिंपली इसे टाइप कर रहा हूँ तो देखिए ये सिंपल से फॉन्ट में यहाँ पर टाइप होगा। लेकिन इस तरह से आप कोई भी मैसेज आपकी किसी भी फ्रेंड को भेज सकते हो। जैसे कि हम दूसरा एक ट्राई करें, यहाँ पर आप देख सकते हो इटालिक भी दिया हुआ है, बोल्ड इटालिक भी है, स्क्रिप्ट भी है, बोल्ड स्क्रिप्ट भी है, अलग अलग तरह के स्टाइल में यहाँ पर मैसेजेस दिए हुए। तो दोस्तों यहाँ से आप किसी भी तरह का मैसेज सिर्फ कॉपी के ऊपर क्लिक करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम दूसरा एक मैसेज टाइप करते हैं और उसे भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ, पहले ये पुराना वाला मैसेज मैं क्लियर कर देता हूँ और अब लिखता हूँ विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अब देख सकते हो नीचे सभी अलग अलग तरह के फॉन्ट में, अलग अलग तरह की स्टाइल में यहाँ पर हमें मैसेज दिखाई दे रहा है। इस तरह के मैसेज अगर हम मोनोटाइप कर्सिव जो हम कंप्यूटर में जानते हैं उस टाइप के जो फॉन्ट है, बहुत अच्छा लगता है।
इस तरह से अगर किसी को मैसेज किया जाए, अब देख सकते हो ये जो स्क्रिप्ट और बोल्ड स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हमें कॉपी करना है, मैसेज कॉपी हो गया और अब हम इसे सेंड करते हैं मेरे ही एक नंबर पे, यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों इसको अगर आपको थोड़ा सा एडिट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और उसे सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप मैसेज अलग अलग टाइप से सेंड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये मेरा ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस ट्रिक को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और इस तरह की दूसरी किसी ट्रिक्स को जानने के लिए फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बटन को टच करना मत भूलिए। थैंक यू।